कांग्रेस असली मुद्दे उठा रही है। एक कांग्रेस का वीडियो मैंने अभी देखा, तो वो लोग जीएमओ 45 फूड के बारे में बता रहा है। ये मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। तो वो बोल रहा है 137 लाख टन पहला ही फोर्टिफाइड राइस बन चुका है, और जो 80 करोड़ लोग हैं उनमें बांटा जा रहा है फ्री का राशन में। तो ये अनपढ़ गवार कौन होता है अपने को खाने में विटामिन डाल के देने वाला? इसको आइडिया आता है गेट्स की टट्टी से, जब एक चम्मच खाता है तभी जीएमओ फोर्टिफाइड राइस, फिर दूसरा चम्मच खाता है वैक्सीन हेल्थ, तीसरा चम्मच खाता है तो नोटबंदी। तो ये अनपढ़ गवार, ये ऐसा भी नहीं, कांग्रेस के ज़माने में महंगाई थी, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में सब्सिडी भी थी किसानों को और कम कीमत पे राइस मिलता था। तो 2011-12 में 30 रुपए का हाफ बिरयानी मिलता था, और क्वांटिटी इतना ज़्यादा कि फुल बिरयानी जितना क्वांटिटी। तो फिर एक बार एक होटल वाले से हम लोग बात किया, अरे क्या बिरयानी रहता है, टेस्ट एकदम ज़बरदस्त। तो वो बोला हाँ मैंने भी खाया है, टेस्ट एकदम ज़बरदस्त रहता है। तो ये लोग का कुछ राशन वाले के साथ झोल है, इनको फुकट में राइस मिलता है या किधर से, तो राइस का ये लोग बंदोबस्त करते सस्ते में, क्योंकि 30 रुपए में कोई भी इतना बिरयानी दे ही नहीं सकता है। तो अच्छा है, वो बिरयानी सस्ता था बट टेस्ट और क्वालिटी में बेस्ट था, क्योंकि उसको सस्ते में राइस मिल रहा है तो वो सस्ते में बिरयानी बेच रहा है, और बहुत सारे लोग इतनी सस्ते वाली अच्छी बिरयानी खा रहे, तो देश के लोग अच्छा खाना खा रहे थे तभी। तो तकलीफ क्या है इसको, अनपढ़ को? तो ये था, तभी होटल भी काफ़ी चीप थे, भले इसने एसी में बैठने का चार्ज लगा दिया था चिदंबरम ने, लेकिन ओवरऑल चीपर गिरी थी। और तभी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़े थे, और इसके वजह से लगभग 100 रुपये का पेट्रोल हो रहा था, 80 तक गया था शायद, लेकिन अभी पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बाद भी ये मादर जात ने 100 रुपये के ऊपर डीजल पहुंचा दिया है। ये अनपढ़ गवार, दुनिया को विश्वगुरु इकोनॉमिक सिखाने वाला, हेल्थ का भाषण देने वाला, वायरस के बारे में बताने वाला, ये 30 रुपये का पेट्रोल 110 में बेच रहा है, या 30 या 50 रुपये का। और इसके जो मेन मुद्दे है कोई उठा ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है मिले हुए। अदानी का मुद्दा है, उठा नहीं रहा है, चलो कांग्रेस ने थोड़ा सा उठाया। नोटबंदी, इतना कुछ आंदोलन करना चाहिए, सिर्फ भाषण दे दिया उससे कुछ नहीं होता। अभी ज़बरदस्ती सबके खाने में विटामिन डाल के दे रहा है, और ऐसा नहीं कि गरीब लोग तो इफेक्ट होंगे, देखो ये मादर जात लोग क्या करेंगे, एलर्जिक रिएक्शन होंगे, अगर ज़्यादा विटामिन आयरन ऐसा ज़्यादा मिनरल्स भी खाएगा स्किन इन्फेक्शन होता है, किधर भी रिएक्शन होता है। तो ये अनपढ़ गवार पब्लिक का हेल्थ पेट खराब करेगा, और बाद में भोसड़ी का बोलेगा कि नया वायरस आया है, ये लो इंजेक्शन, और फिर
लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में जाने लग गए तो फिर ये हमेशा का बोलते रहेगा कि तेल ज़्यादा खाता था, लोग सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं और फिर शराब पी रहे हैं, उसके कारण मौतें हो रही है यंग एज में। जबकि ये मादर जात खाने में एक्स्ट्रा मिनरल्स डाल के लोगों का हेल्थ खराब करेगा और इसको पद से हटाना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं तो अपने को दुनिया से हटा देगा। ये अच्छा है कि कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया। अगर कांग्रेस और बीजेपी मिला हुआ है तो फिर इनके साथ फाइटिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर कांग्रेस अपने साइड से आती है तो इस जैसे नीच को सबक सिखाया जा सकता है और जो इसने बर्बादी की है उसको रिवर्स किया जा सकता है। अदानी को जो दिया है वो वापस लिया जा सकता है, सब कुछ रिवर्स किया जा सकता है। और पर ऐसा होना बनता है। लेकिन अगर कांग्रेस आ गई और कांग्रेस ने भी 45 फूड कंटिन्यू किया जैसा बीजेपी कांग्रेस के हर एक पॉलिसी अपोज करती थी बाद में सत्ता में आने के बाद सेम पॉलिसी नाम बदल के कंटिन्यू कर रहा था, तो अनपढ़ गवार ने एक्चुअली कुछ भी नहीं किया है। कांग्रेस का ही पॉलिसी नाम बदल के, सारे प्रोजेक्ट्स कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस के ज़माने से पास हुए थे और उसका रिजल्ट बीजेपी के ज़माने में आया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स इतने बड़े थे कि टाइम लगता है। सिर्फ इसने प्रोजेक्ट्स का कीमत बढ़ाया, एक्स्ट्रा कमीशन खाया और नाम बदल दिया। और राहुल गांधी का यही मिस्टेक होता था कि उसको याद नहीं रहता था, अरे ये कांग्रेस की ही पॉलिसी है, बीजेपी की हर एक पॉलिसी अपोज करता था, लेकिन वो भूल जाता था कि ये पॉलिसी कांग्रेस की ही है। और ऐसा करके उसका काफ़ी जोक बना था, क्योंकि 99% पॉलिसीज कांग्रेस की ही है। अभी ये मुद्दा कांग्रेस ने उठाया तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस आएगा। ये सीरियस मुद्दा है क्योंकि अनपढ़ गवार लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहा है। अनपढ़ गवार ने ज़बरदस्ती लोगों को इंजेक्शन भी ठोका है और बाद में बोलता है हम लोग ने ज़बरदस्ती ही नहीं की थी, लोगों ने खुद होके लगाया। फिर ट्रेन में नहीं जाने का, मॉल में नहीं जाने का, काम पे नहीं जाने का, ये किसने किया? फिर मिलिट्री वाले को ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाया, पुलिस वाले को, डॉक्टर नर्स को, और बोलता है मैंने कुछ ज़बरदस्ती किया ही नहीं। झूठ बोलने वाला, पब्लिक के हेल्थ के साथ खेलने वाला, पब्लिक को गरीब बनाने वाला, ये अनपढ़ गवार ने प्रोपेगेंडा से 9 साल राज किया। वो कुछ भी फेमस नहीं है, मादर जात इधर से ही प्लेन से लोग लेके जाता है, फॉरेन कंट्री में वो तमाशा करता है, रोड शो करता है। अभी वो प्लेन से उतरा, ये लेने आया, वो लेने आया, उसके फोटो ट्विटर पे डालता है। कनाडा का प्रधानमंत्री भी गया, उसको भी वीआईपी लोग लेने आए। बाइडेन भी गया, फ्रांस वाला भी गया, वो लोग ने ट्विटर पे फोटो नहीं डाले और वो लोग जाके उधर रोड शो नहीं करते, ये रोड शो करता है, पब्लिक जमा करता है, इधर से लेके भी जाता है और पैसे दे ले रहते हैं, मोदी मोदी चिल्लाते हैं और उधर के इंडियन लोग भी शायद खाना पीना खिलाता हूँ और कुछ तो बोल के इनवाइट करते हैं या शायद पैसे भी देते रहेंगे। और फिर वो लोग भी चिल्लाते हैं, अभी पैसे मिले हैं तो चिल्लाना तो पड़ेगा।
और ऐसा करके ये न्यूज चैनल कवर करती है और बताती है कि इसका जलवा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जबकि वो जलवा का इवेंट खुद ही रखता है। अगर मैं गया कहाँ पे और उधर इवेंट मैनेजर को मैंने पैसे दिए कि इतने लोग लेके आ, मेरी जय मेरी जय, और मेरे पे फूल बरसे, तो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं काफ़ी फेमस हूँ और मुझे लोग मानते हैं। तो ये हटना चाहिए, काफ़ी 9 साल चुतिया बनाया, अभी इसको जाना चाहिए। और होपफुली कांग्रेस सच्चा अपोजिशन हो, अगर सच्चा अपोजिशन नहीं है तो फिर सबके साथ मारामारी, सबके साथ झगड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, और इसमें अपनी हार फिक्स है, क्योंकि वी नीड सम पावरफुल असो ऑर्गेनाइजेशन विथ अस टू डिफीट दिस इविल डेडली टाइप ऑफ पीपल, जो अपने जैसे आम लोग, प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। ये जो पहलवान बैठे, पहलवान 3 महीना 4 महीना 1 साल बैठे, कुछ भी नहीं होने वाला है। जब इनकी सरकार जाएगी तभी शायद कुछ हो सकता है, बट इनकी सरकार रहते वो ब्रजभूषण का कुछ भी नहीं होगा। इवन शरद पवार भी बोला था कि ये कांग्रेस अदानी के खिलाफ फालतू में बोल रही है, जांच होगी, सरकार उनकी है और क्लीन चिट मिलेगी, और वैसा हो भी गया। तो ये पहलवान देखो, किसान लोग जीते थे क्योंकि उनकी क्वांटिटी 3-4 लाख 5 लाख किसान थे, और वो लोग मारामारी करते और दंगा करते। ये पहलवान लोग, इनकी संख्या कम है और इनसे सरकार हिलेगी नहीं, किसानों से सरकार हिल सकती है, और इसीलिए किसान का कानून वापस लिया। पहलवानों से हिलेगी नहीं और कुछ भी नहीं होगा जब तक ये सरकार चेंज नहीं होती।